हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लक एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट अवार्ड और ऑनर की। मध्य प्रदेश के जितने पुरस्कार और सम्मान हैं जो 2020 तक दिए गए हैं, उन सभी की बात करेंगे। एमपी की कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे एमपीपीएससी, एसआई, कॉन्स्टेबल, एक ना एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनेगा। ये अपडेटेड वीडियो होने वाला है, तो जितने भी अवार्ड छूटे हुए थे वो सारे मैंने इसमें कवर कर लिए एमपी के। तो इसमें इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अगर कोई भी एमपी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पीएससी, एसआई या फिर कॉन्स्टेबल, तो हमारे पेड नोट्स अवेलेबल हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी नोट्स की लिंक दी गई है, तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कालिदास सम्मान से। तो पहले पुरस्कार की बात करते हैं, कालिदास सम्मान। अगर कालिदास सम्मान की बात की जाए तो शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाओं और रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य के लिए सम्मान दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। और इस कालिदास सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1980 में हुई थी। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे पहले किसे मिला और अभी 2018 और 19 में किसे मिला। यहाँ पर मैंने सारे कवर किए हुए हैं अंतिम वर्षों के भी, ताकि आप देख सके, जान सके इन चीजों के बारे में। लेकिन मेनली एग्जाम में ये आपको ध्यान रखना है 2019 का, मेनली तो 2019 का ही ध्यान रखना है। आप 18 और 19 दोनों का भी ध्यान रख सकते हैं। तो स्थापना ही 1980 में सबसे पहले कालिदास सम्मान जो मिला था वो प्रोफेसर की जी सुब्रमण्यम को मिला था, रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में, ठीक है, श्री शंभू मित्र को रंगकर्म में, और सुश्री रुक्मणी देवी को शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। राज बिसारिया को ये पुरस्कार 2015-16 में मिला, 16-17 में वंशी कौल को मिला। आपको मेनली ध्यान रखना है 2018 में किसे मिला ये पूछा जाए, तो ये अंजलि इला मेमन को मिला, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती है। और अभी लेटेस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जाएगा, ये मिला है सुरेंद्र वर्मा को रंगकर्म के लिए, ठीक है। तो आपको क्षेत्र भी याद रखना है और याद रखना है कि 2019 में कालिदास सम्मान किसे मिला, सुरेंद्र वर्मा को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पुरस्कार की बात करते हैं। ये है हमारे पास में तानसेन सम्मान। देखिए, तानसेन सम्मान की अगर बात की जाए तो ये शास्त्रीय संगीत और रूपंकर कलाओं, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई। पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये श्री कृष्ण राव शंकर को मिला, पंडित हीराबाई को और उस्ताद बिस्मिल्ला खान को सर्वप्रथम ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये मेन है, उसमें आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में देखें तो 2016 में पंडित डालचंद शर्मा को, उल्लास कलाशंकर जी को 17 के लिए, 2018 में ये पुरस्कार सितार वादक मंजू मेहता को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि 2019 में किसे मिला, तो मूर्धन्य गायक पंडित विद्याधर को ये तानसेन सम्मान दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सम्मान लेते हैं। अगला दोस्तों, करंट इश्यूज रिलेटेड अपडेट और फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अगला पुरस्कार है मध्य प्रदेश का मेन, तुलसी पुरस्कार। तुलसी पुरस्कार जो है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। उसके बाद में अगर इसकी बात करें स्थापना की, तो ये 1983 में स्थापित किया गया। सबसे पहले तुलसी सम्मान जो है वो पंडित गिरजा प्रसाद को दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तुलसी सम्मान किसे दिया गया, पंडित गिरजा प्रसाद को। इसमें जो वर्तमान में राशि दी जाती है वो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2017 में तुलसी सम्मान दिया गया कैलाश चंद्र शर्मा को, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, और विक्रम यादव को ये पुरस्कार आपका 2018 में दिया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तुलसी सम्मान 2018 में लास्ट में किसको दिया गया, तो ये है विक्रम यादव को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सम्मान की। तो हमारा नेक्स्ट सम्मान है देवी अहिल्या सम्मान, ठीक है। तो देखें, देवी अहिल्या का मान या देवी अहिल्या सम्मान की बात करें, है ना, तो ये आदिवासी क्षेत्र में दिया जाता है, लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, आदिवासी लोक और पारंपरिक कला के क्षेत्र में। और मेनली आपको ध्यान रखना है कि देवी अहिल्या का जो सम्मान है ये महिला कलाकारों को दिया जाता है। तो आदिवासी महिला और लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में जो महिला कलाकारें रहती है उनको ये सम्मान दिया जाता है। अब देखिए, इसकी जो स्थापना हुई ये 1996 में हुई। पुरस्कार राशि आपको ध्यान रखना है 2 लाख रुपए इसमें मिलती है। सबसे पहले देवी अहिल्या सम्मान श्रीमती तीजन बाई को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
कृष्ण वर्मा उज्जैन को ये मिला 2017 के लिए, और 2018 में लास्ट में अहिल्या का सम्मान जो है, देवी अहिल्या सम्मान, ये शांति देवी झा को 2018 के लिए दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेनली आपको ध्यान रखना है पुरस्कार राशि, इसकी स्थापना और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये, ठीक है, और लास्ट में किसे मिला ये भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं कबीर सम्मान की। तो देखिए कबीर सम्मान में आप देख रहे हैं तीन लेटर आपके पास आ रहे हैं कबीर, है ना, तो कबीर सम्मान में तीन लेटर है, तो ये 3 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कबीर सम्मान में अब पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है, पहले राशि कम थी। अब देखिए ये भारतीय भाषा और कविता के क्षेत्र में दिया जाता है कबीर सम्मान, सिंपल सी बात है, कबीर को देख के लग रहा है कि भारतीय भाषा और कविता के क्षेत्र में मिलेगा। और स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई। सबसे पहले कबीर सम्मान से श्री गोपाल कृष्ण अडिग को सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, और नरेश सक्सेना को ये 2017 में मिला, जो कि ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, और कबीर सम्मान गोर्टी बेकन को हैदराबाद से जो बिलोंग करते हैं, इन्हें 2018 के लिए दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 2018 में कबीर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो ये गोर्टी बेकन को दिया गया है जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला सम्मान होगा इकबाल सम्मान। तो मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान अगर बात की जाए तो ये उर्दू साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक लेखक के लिए दिया जाता है। पहली बात, 1986 में 1986 में इसकी स्थापना हुई, पुरस्कार राशि इसमें 2 लाख रुपए मिलती है, और मैं बताऊं तो ये उर्दू का जो है सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान है उर्दू का। 2017 में ये सम्मान शमूसर रहमान फारूकी को मिला, और गजनफर अली को अलीगढ़ से जो बिलोंग करते हैं, ये 2018 में उर्दू सम्मान मिला, है ना, माफ कीजिएगा, इकबाल सम्मान मिला, और किसमें दिया जाता है, उर्दू के क्षेत्र में, उर्दू के क्षेत्र का सर्वोच्च देश का सम्मान है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करें तो ये है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त सम्मान की यदि बात की जाए तो हिंदी कविता के में रचनात्मक लेखक के लिए से दिया जाता है, ठीक है, तो ये हिंदी के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, बड़े प्रसिद्ध लेखक है, तो हिंदी कविता में रचनात्मक लेखक लेखन के लिए पहली बात तो सम्मान मिलता है। 1987 यानी कि 1987 में इसकी स्थापना हुई। पुरस्कार राशि मेनली आपको ध्यान रखना है 2 लाख रुपए मिलती है। सबसे पहले ये पुरस्कार जो है शमशेर बहादुर सिंह को मिला, तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया, शमशेर बहादुर सिंह। राजेश जोशी को यह पुरस्कार 2017 के लिए दिया गया, भोपाल से जो बिलोंग करते हैं, और फिर से मंजूर एहतेशाम को ये पुरस्कार भोपाल से जो बिलोंग करते हैं, ये इन्हें दिया गया 2018 में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा मंजूर एहतेशाम, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि 2018 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे दिया गया, तो मंजूर एहतेशाम को दिया गया जो कि भोपाल से बिलोंग करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम महात्मा गांधी सम्मान। तो देखिए महात्मा गांधी सम्मान की यदि बात की जाए तो ये गांधी विचार दर्शन के अनुरूप समाज में जो समाज कल्याण के काम होते हैं, सृजनात्मक काम होते हैं, सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो काम किए जाते हैं उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और पुरस्कार की राशि इसमें 10 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है भाई। अभी ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है एमपी का सबसे ऊंचा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, और अगर सबसे पहले बात की जाए तो महात्मा गांधी जो पुरस्कार है सम्मान है ये कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर को सबसे पहले दिया गया था, और अभी 2018 में अलका जोशी जो कि पुणे की लोकायुक्त है इन्हें ये सम्मान दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना, और प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान है ये मैंने आपको बताई दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सम्मान है एमपी का वो है किशोर कुमार सम्मान। तो एमपी में जो किशोर कुमार सम्मान है वो सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, है ना, पटकथा और गीत लेखन के लिए दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में डायरेक्टर जो रहते हैं, कहानी लिखते हैं, या फिर हम बोले कि एक्टर वगैरह रहते हैं, तो इनको दिया जाता है। 1997 में इसकी स्थापना की गई, 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। सबसे पहले किशोर सम्मान जो है वो श्री हरिकेश मुखर्जी को मिला, और 2017 में इन्हें ये प्रियदर्शन जो है चेन्नई से बिलोंग करते हैं इन्हें दिया गया, और 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान वाहिदा रहमान मुंबई को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, 2018 में किशोर कुमार सम्मान किसे मिला, तो इंपॉर्टेंट है वाहिदा रहमान को मिला, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है कहीं, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं।
तो अगला अगर देखें, माफ कीजिएगा प्रश्न बोल गया मैं, अगला सम्मान तो लता मंगेशकर सम्मान की बात करते हैं। देखिए लता मंगेशकर सम्मान जो है सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सम्मान जो है ये 1984 में इसकी स्थापना हुई, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहले ये श्री नौशाद को मिला, उदित नारायण, ये याद रख सकते हैं आप कि उदित नारायण को सम्मान 2015 में दिया, 16 में अनु मलिक को मिला था, और 2018 में लास्ट टाइम ये जो सम्मान है ये संगीतकार कुलदीप सिंह को दिया गया। दूसरी बात यह है कि ये आपको ध्यान रखना है कि ये सम्मान बारी बारी से संगीत रचना और गायन के लिए दिया जाता है, और जिस जिसे भी ये सम्मान दिया जाता है उसका संगीत से क्षेत्र में मतलब कंटिन्यूस वर्क करना जरूरी है। जैसे कि अगर किसी को सम्मान मिल रहा है तो कंटिन्यूस सृजन की उसका जो सृजन होना चाहिए वो सक्रिय होना चाहिए, है ना। सम्मान के लिए चुने जाने के समय कलाकार का सृजन सक्रिय होना ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। मतलब कि जब ये पुरस्कार किसी कलाकार को दिया जा रहा है तो उस समय वो कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग या काम करता रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसे रिटायर्ड वगैरह जो लोग रहते हैं उनको नहीं दिया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला सम्मान है कुमार गंधर्व सम्मान। देखिए कुमार गंधर्व सम्मान की यदि बात की जाए तो यह सम्मान शास्त्रीय संगीत और युवा कलाकारों को दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में युवा कलाकार को दिया जाता है। स्थापना इसकी 1992 में की गई, सबसे पहले ये अजय चक्रवर्ती को मिला कुमार गंधर्व पुरस्कार, ठीक है। और सितार वादक नीलाद्री कुमार को 2017 में लास्ट टाइम दिया गया, और इसकी पुरस्कार राशि आपको ध्यान रखनी है ये 1.25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, 1.25 लाख रुपए की, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से इसके लिए ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पुरस्कार। तो हमारा जो अगला पुरस्कार है वो है शरद जोशी पुरस्कार। तो ये शरद जोशी जो पुरस्कार है पत्रकारिता, हिंदी व्यंग, ललित निबंध, संस्मरण, है ना, और डायरी वगैरह इत्यादि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें जो रचनात्मक लेखन का कार्य करते हैं उन्हें दिया जाता है। इसकी स्थापना 1992 यानी कि 1992 में की गई। पुरस्कार में इसमें 2 लाख रुपए की राशि मिलती है, और सबसे पहले देखिए किसे दिया गया था, तो ये हरिशंकर परसाई को पुरस्कार दिया गया था। 2017 में यह पुरस्कार यशवंत व्यास जयपुर को दिया गया था जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, और 2018 में रविश कुमार एनडीटीवी वालों को ये पुरस्कार दिया गया जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनको सभी जानते होंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 2018 में किसे शरद जोशी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये रविश कुमार आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ एमपी के और सम्मान, जिसमें आपको इंडिविजुअल याद ये नहीं रखना है कि किसे दिया गया है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये सम्मान मध्य प्रदेश में दिया जाता है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, स्थापना और आप पुरस्कार राशि याद रख सकते हैं। तो देखें चंद्रशेखर आजाद सम्मान की बात करें तो समाज सेवा और देशभक्ति के लिए दिया जाता है ये मध्य प्रदेश में पुरस्कार। इसकी पुरस्कार राशि 1.5 लाख रुपए इसमें दी जाती है, और स्थापना इसकी 2006-2007 में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पुरस्कार है वो हमारा है टांटिया भील पुरस्कार। देखिए टांटिया भील नाम से ही फेमस है ये, तो ये जनजाति प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है ना, आदिवासियों के लिए। अब अगर बात करें तो पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। स्थापना इसकी 2007 और 2008 में हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है रानी दुर्गावती पुरस्कार। देखिए रानी दुर्गावती पुरस्कार की यदि बात की जाए तो ये भी आदिवासी विकास के लिए दिया जाता है ना, तो आदिवासी क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अब किसी संस्था या व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। राशि जो है इसमें 2 लाख रुपए की राशि मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, और स्थापना इसकी भी कब हुई, 2007 और 2008 में हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला पुरस्कार देखते हैं जो कि है ठक्कर बाबा पुरस्कार। देखिए ठक्कर बाबा सम्मान जो है ये आदिवासी समाज की सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है ना, और पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए इसमें, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम लास्ट, हमारा आज का पुरस्कार और सम्मान का लास्ट पुरस्कार मध्य प्रदेश का जो है उस्ताद आमिर खां पुरस्कार। देखिए उस्ताद आमिर खां पुरस्कार जो है ये गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और इसकी स्थापना 2012 में हुई। तो दोस्तों ये हमारे थे इम्पॉर्टेंट पुरस्कार आज के सभी इस पर्टिकुलर वीडियो के। और अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक अपडेट दे देता हूँ मैं कि आप अगर अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं तो आप हमसे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम,
पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये टेलीग्राम चैनल पर वीडियो अपलोड होने के बाद पीडीएफ डाल दी जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप फॉलो करना ना भूलें हमें, और ज़रूर जुड़िए लेटेस्ट अपडेट के लिए। और सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे रखी है मैंने, तो जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में आप उनको फॉलो करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।